वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 28 नवंबर 2020 और आज हम एशियन पेंट के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। इतना ही नहीं, देखेंगे कि इस स्टॉक में हम एक इंट्राडे ट्रेड और स्विंग ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एशियन पेंट का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड एग्जीक्यूट हो रहा था जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक हो चुका है और उसको मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मैं पॉइंट करते हुए यहां से एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। कुछ इस तरीके का वो एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ऑन डेली चार्ट पे एक हल्का सा सप्लाई था जो कि स्टॉक के प्राइस को डाउन साइड ट्रेड करने के लिए, ये है वो सप्लाई। और हम देख रहे हैं कि यहां एक जो डेली डाउन ट्रेंड चल रहा था वो लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसी के साथ वो डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ और स्टॉक ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब हमें वॉल्यूम्स को अगर हम देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग। यहां पर अगर हम डिमांड जोन की बात करेंगे तो इमीडिएट डिमांड जोन यहां पर बन चुका है और इस डिमांड जोन में हम एंट्री ले सकते हैं। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक रिटर्न आता है तो एक स्विंग या लॉन्ग ट्रेड के लिए हम इस डिमांड जोन में एंट्री ले सकते हैं। अब मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा जो कि डेली चार्ट पे लगातार स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा था और वो रेजिस्टेंस है 2250 का। तो यहां स्टॉक का प्राइस बार बार लगातार आने के बाद नीचे जा रहा था। अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस हमें एक फॉल देता है, एक डिप देता है, तब भी हम इसे बाय कर सकते हैं फॉर इंट्राडे के लिए। जैसे कि डिप मिलना चाहिए यहां तक और उसके बाद स्टॉक का जो प्राइस है वो निकलेगा यहां तक, तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2265 का और इसे हमें बाय करना है 2200 के आसपास। अब चलेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, यहाँ कोई डिमांड जोन है, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यहां पर देखिए ये 3 आवरली चार्ट है, चार्ट को मैं छोटा कर देता हूं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ब्रेक करके स्टॉक का प्राइस नीचे आया और उसके बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड इसने यहां पर जारी रखा, लेकिन यहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक का प्राइस फिर से अपने डिमांड जोन में आके, डेली डिमांड जोन में आके प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड लाइन के पास अगर कल हमें एंट्री मिलती है तो हमें इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए और एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है 2265 का वो टारगेट कल हमें अचीव होते हुए इस स्टॉक में दिख सकता है। अगर ये स्टॉक का प्राइस कल हो सकता है कि नीचे आए, फिर से इस डिमांड जोन की चेक करें, तो फिर भी हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ट्रेड के लिए। इसके लिए चलेंगे हम 30 मिनट के चार्ट पे और 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि कहां कुछ प्राइस एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आवरली चार्ट की बात कर रहा हूं तो आवरली चार्ट में यहां पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन है जो अभी भी इंटैक्ट है और इस डिमांड जोन में प्राइस आके हमें एक बाउंस बैक जो देखने को मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। ये है 3 आवरली डिमांड जोन। अब चलेंगे हम 30 मिनट के चार्ट पर और 30 मिनट के चार्ट पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक ने यहां पर एक डिमांड जोन बनाया था ऑन 30 मिनट के चार्ट पे जो कि अपने डेली डिमांड जोन का भी ये यहां पर एक रिस्पेक्ट करता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस अगर नीचे आता है इस प्राइस पे 2183 से लेके 2200 तक, तो हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग ट्रेड या इंट्राडे के लिए। तो ये था एशियन पेंट का इंट्राडे सेटअप। ये सेटअप आपको कैसा लगा हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।